आपकी एक गलती और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है ये। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारी टीम जीवो को बचाते बचाते दोस्तों पहुंची है एक सुंदर से गांव में, जो छिंदवाड़ा शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये गांव नीमढाना छिंदवाड़ा शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ये। और अभी कुछ देर पहले ही जस्ट हम एक रेस्क्यू करके आए हैं, वहां से फिर भाई साहब का फोन आया श्रीमान जी का। तो श्रीमान जी क्या पोजीशन है, कैसा दिख रहा है, आपको जानकारी दीजिए। ब्लैक सा दिख रहा है और थोड़ा मोटा सा है और थोड़ा सा लाइट पड़ने पे चमक। तो नजर कैसे पड़ी उसमें? नजर छोटा वाला नहा ही रहा था और वो एकदम से दीवार से गिरा। अच्छा, ऊपर से गिरा नहीं? ऊपर से गिरा नहीं, तो उस पर नजर गई तो वो एकदम से भागा वहाँ से, मेरे पास आया एकदम भैया बोले वहाँ तो गिरा साफ टाइप में, फिर दौड़ के गया। भाई साहब हमारे YouTube चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उसी के चलते में भैया का कॉल आया हमारे पास में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कौन सा स्नैक है कौन सा नहीं है और उस सावधानी के साथ में रेस्क्यू करते हैं। और कैमरामैन प्रथम पंडोले जी के साथ में बने रहिए। बारिश का एंडिंग चल रहा है दोस्तों। ये भाई साहब भी यहाँ से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सांप यहाँ पर है स्नेक। और जैसे हमेशा की तरह बताते हैं दोस्तों वीडियो में कि सांप अगर निकला है हमें बुला रहे हैं तो उसके पहले आप देखते रहिए ताकि वो भागे ना, और भागे भी तो अपने को समझ में आ जाए। दोस्तों ये है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, देख सकते हैं पास से। ये देखिए दोस्तों स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है इसे, अभी मूवमेंट ले रहा है वो। पानी भरा हुआ है क्या? शांति बना के रखें आप लोग बस। आवाज नहीं, हल्ले से कुछ नहीं होता है, हल्ला आप कितने कर ले हल्ले से उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये जो अपना वाइब्रेशन हो रहा है बस ये इससे होता है। वो जीभ जो निकालता है बार बार अपनी, वो उसी के कारण निकालता है। वो जीभ निकलती है उसकी, आप सेंसर का काम करती है उसकी जो जीभ है। थोड़ा लाइट यहाँ से दिखाइए ना आप, नहीं वहां से दिखाइए आप। हाँ वहां से आप दिखाइए, वो दिख रहा वो कुंटे में। हाँ अगर ये हट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अच्छे से हो जाएगा सावधानी के साथ। वो दिख रहा है आराम से दिख रहा, वहीं से फिर पत्थर हटके लकड़ी मारो, नहीं तो दिक्कत। नहीं उठा नहीं रहे इसको, खिसका रहे हैं। नहीं वो पत्थर हट जाएगा ना, रख दिया एक मिनट या फिर इसको पकड़ लेते ना, पकड़ लेते हाथ लगा लेते। दो जन पे एक ही जन आ जाओ, बस थोड़ा सा दूरी बना लीजिए आप लोग, शांति बना के रखें। तुमने साइड दे, शांति बना के रखें, शांति बना के। ये देखिए दोस्तों लाइट दिखाइए, यहाँ पे टॉर्च दीजिए। कितनी छोटी सी जगह में फोल्ड हो जाता है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए
काफी बिग साइज का है दोस्तों ये। थोड़ा आगे आ जाओ विजयन, तुम आ जाओ ना आगे, थोड़ा आगे जाओ क्योंकि लाइट दिखाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी पोजीशन, और काफी बिग साइज का है दोस्तों ये, काफी बिग साइज का है। अच्छा खिलाया पिलाया है यहाँ पे इन्होंने, बहुत चूहे खाया लग रहा है। हाँ बहुत चूहे खाया। ये देखिए इसका साइज भी बहुत प्यारा है और खूबसूरती तो दोस्तों देख ही सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं दोस्तों और फिर इसके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत ही चमत्कार और शानदार। आइए दोस्तों बाहर इसको लेकर चलते हैं। नहीं आप लोग वहीं पर रहिए खड़े, तुम हट जाओ। तो दोस्तों यह है स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे नाग कहा जाता है, स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है और करिया भी कहते हैं दोस्तों इसे, और साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। इसका फन होता है, इसका फन होता है और इसमें इसका स्पेक्टिकल्ड भी बना होता है लेकिन इसमें स्पेक्टिकल्ड बना नहीं है, ये प्लेन है। हाँ क्या बड़े होते हैं ये जैसे, तो इसका ये यहाँ पे जो स्पेक्टिकल बना होता है चश्मा आकार का वो मिट जाता है, वो मिट जाता है। और ये काफी जहरीला स्नैक होता है दोस्तों, काफी जहरीला, बहुत जहरीला स्नैक है। ये कुछ नहीं दो भी इसकी जो उम्र है 7 से 8 साल बस, उससे ज्यादा नहीं। काफी बिग साइज का है दोस्तों ये, लेकिन अभी इसकी हाइट और बढ़ेगी, ये अभी सीमित नहीं है। इनकी आयु जो होती है, इनकी आयु टोटल 15 से 16 साल की इनकी आयु होती है, इससे ज्यादा नहीं जीता है। कुछ ही होते हैं जो बाय चांस कुछ ज्यादा जी लेते हैं, सिर्फ 2 से 3 साल, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। वो तो फिर महज कहने की बातें होती है, जैसे पुराने बुजुर्ग जो कह गए हैं कि 100 साल जीता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि 100 साल जीता है, 200 साल जीता है सांप, उसके बाद में इच्छाधारी नाग बन जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बारिश का आखिरी चल रहा है और अभी पानी के साथ साथ में क्या है दोस्तों, उमस बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है और उमस के कारण और ज्यादा जीव निकल रहे हैं, और ये चूहे के कारण आया क्योंकि भूखा है ये, इसी वजह से भूखा है इसलिए जीव आया घर में इनके, नहीं तो घर में ये वैसे भी नहीं आते हैं। और देख करके कोई भी कॉपी नहीं करेगा, इसका प्रशिक्षण होता है, इसका ट्रेनिंग होता है, इसकी पढ़ाई होती है, पहले वो करिए, जानिए इसको पहले अच्छे से, उसके बाद में आप हाथ डालिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं। आप नजदीकी जाके अपने जो नजदीकी में वन विभाग क्षेत्र है वहां पे संपर्क कर सकते हैं फॉरेस्ट ऑफिसरों से, वो आ जाएंगे, या फिर किसी सर्प मित्र से संपर्क करिए, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि एक गलती और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है दोस्तों। अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है ये दोस्तों, इसकी फुर्ती देखिए कितना फुर्ती के साथ में इधर उधर हो रहा है ये। यूट्यूब में भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बारे में अच्छा ही है।
फुर्ती देखे दोस्तों आप लोगों ने, और अगर ये बाय चांस किसी को बाइट करे दोस्तों तो आपको क्या करना है, पहली फुर्सत में आपको सीधे नजदीकी हॉस्पिटल जाना है पहले, और वो भी गवर्नमेंट, क्योंकि इसका एंटीवेनम होता है। और अभी जो आसपास के नजदीकी जितने भी ब्लॉक के जो चिकित्सालय है, जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहां पे इसका एंटीवेनम प्रोवाइड हो चुका है। इसका एंटीवेनम अब हर हॉस्पिटल में मिलने लगा है, और नहीं तो पहले एक बार जानकारी लीजिए कि यहाँ पे एंटीवेनम है कि नहीं, उसकी जानकारी भी लीजिए पहले, उसके बाद में फिर कदम उठाइए। कैसा कदम उठाना दोस्तों अपने को, अगर बाय चांस बाइट करता है, अगर नजदीकी हॉस्पिटल में एंटीवेनम है तो वहां जाइए, अगर नहीं है तो आपको सीधे पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इसका वहां पे एंटीवेनम मिल जाएगा, और टोटल निशुल्क होता है। एंटीवेनम की सुविधा जो होती है निशुल्क होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अगर चार्जेस लेता है उसके, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही भी कर सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर लापरवाही होती है तो आपको दोस्तों बोलना पड़ेगा, अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर वही है जो हो रहा है, लापरवाही वो हमेशा होता रहेगा। और इसके काटने के बाद में आपको तंत्र मंत्र में बिल्कुल भी नहीं रहना है, तंत्र मंत्र में बिल्कुल नहीं रहना। अगर तंत्र मंत्र में रहेंगे तो मौत होनी निश्चित, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, एंटीवेनम भी नहीं बचा पाएगा फिर, क्योंकि बाइट करा है तो सबसे पहले दवाई आपकी क्या है, डरना नहीं है, सबसे पहले आपको डरना नहीं है। अगर डरोगे तो पहले मौत हो जाएगी। और इसके बाइट का ऐसा है दोस्तों कि ये बाइट किया है तो आप एक पट्टी लेकर के बांध भी सकते हैं, जैसे यहां पर बाइट किया है दोस्तों, इस जगह पे बाइट किया है, देखिए बता रहे हैं आपको, अगर इस जगह पे बाइट किया है तो आप यहां से यहां तक के एक पट्टी कपड़ा ऐसा लपेट सकते हैं यहां से यहां तक के, और इसको नहीं ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम साइज से उसको लपेटिए, बढ़िया मीडियम साइज से लपेटिए उसको, और हाथ को यहां पे एक लकड़ी और लगाइए और यहां पे उसको हाथ को लटका दीजिए, और बढ़िया सावधानी से सिस्टम के साथ बाइक में बैठा लिए और सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए, वहां पे इसका एंटीवेनम होता है, एंटीवेनम लग जाएगा, जान बच जाएगी दोस्तों। और कुछ डॉक्टरों को भी जानकारी नहीं है कि एंटीवेनम कब देना चाहिए, तो ये भी जानकारी होना जरूरी है सभी को कि अगर जहर गया है बॉडी में तो उसका सिम्टम सबसे पहले यह है, जिस जगह पे काटा है उसने वहां पे स्वेलिंग चालू हो जाती है। वहां पे सूजन चालू हो जाएगी दोस्तों, वहां पे सूजन चालू होने के बाद में धीरे धीरे हरा पड़ने लगेगा वहां पे, और हरा पड़ने के बाद में क्या होगा दोस्तों, जहर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और स्वेलिंग धीरे धीरे पूरे शरीर में आती जाएगी। आंखें जो है शांति बना के रखें, आंखें जो है वो भी लाल हो जाएगी ज्यादा, आपको नींद ज्यादा आने लगेगी, वोमिट करने की इच्छा होने लगेगी, मतलब उल्टी आने लगेगी ज्यादा, तो समझिए कि जहर है बॉडी में। और सबसे पहला सिम्टम्स है उसका कि स्वेलिंग आना, हाथों में स्वेलिंग आना और जलन देना। अगर स्वेलिंग नहीं आया आप हॉस्पिटल तो पहले पहुंच जाइए, अगर स्वेलिंग आता है कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो एंटीवेनम लगाइए, अन्यथा बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो एंटीवेनम लगाने से भी इंसान की मौत हो जाएगी। बहुत गुस्से में दोस्तों, क्योंकि एंटीवेनम जो होता है दोस्तों वो सांप के जहर से ही बनता है, इसलिए जहर अंदर गया है तो ही आप एंटीवेनम लगवाएं, अन्यथा नहीं लगवाएं। और आप बोलेंगे हमें जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है और इसलिए आपको जानकारी दी जा रही है, और तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, तंत्र मंत्र में नहीं रहना, और ना राई के दाने में रहना ना उड़द दाल के दाने में रहना, क्योंकि लोग बात क्या कर रहे हैं, उड़द दाल के दाने डाल दो तंत्र मंत्र वाले जो है उससे नहीं आता घर में सांप, राई के दाने डाल दो नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेवकूफी है ये, टोटल बेवकूफी है। देखिए हमारी बातें वो भी बहुत ध्यान से सुन रहा है, वैसे सुनते नहीं है ये, महसूस कर, हाँ फीलिंग बहुत बढ़िया आ रही है, क्यों दोस्त ये नहीं गुस्से में तो है,
उसकी तरफ ही देख रहा था। अभी दोस्तों इसको डब्बे में पैक करेंगे अपन। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे, साइड में बेल आइकन होती है उसे भी क्लिक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं अपने जितने भी, ताकि जो जानकारी हम दे रहे हैं हमारी टीम के द्वारा आपको जो जानकारी मिल रही है दोस्तों वो आप तक के पहुंचे। तो उससे क्या होगा, इंसान की भी जान बच जाएगी और जानवर की भी जान बच जाएगी। और दोस्तों एक सब्सक्राइब आपका, आपका एक वीडियो देखना और लोगों तक के शेयर करना, इससे इंसान की जान बच सकती है दोस्तों। तो सब्सक्राइब तो मारने की बनती है दोस्तों, अभी ये भी जाने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए तो जल्दी डब्बे में भी चला जाएगा वो। और कमेंट करिएगा दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा नहीं, थोड़ा कुछ कुछ साफ समय ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो को देख करके कॉपी नहीं करना, बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट का काम है ये, हमारा खुद का 6 साल का एक्सपीरियंस है तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक चूक और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है दोस्तों। और इसकी स्किन देख सकते हैं दोस्तों, ये भी अभी कुछ ही दिनों में केचुड़ी निकालेगा, इसकी स्किन एक निकलेगी, देखिए पास से देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां से ये जो है बहुत वो हो चुकी है, मुरझा चुकी है यहां से, ये छू भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं होता कुछ नहीं, नहीं इसका कोई पुच्छी में जहर नहीं होता, नहीं होता, देख कितनी प्यारी और ना कोई कांटा होता है, हाँ देख कितनी अच्छी है। हाँ भगवान जी है, सही है सही है। कुछ नहीं यार, वो भी एक जीव है पृथ्वी का, पास हम भी भगवान के पास के हैं यार, हमको तो मत बोलो, और दोस्तों ये डब्बा पैक किए हैं तो इसमें गड्ढा करना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेगा, सांस ले, ऑक्सीजन जाएगी उसमें तभी तो सांस ले पाएगा, ये हवा के लिए इसमें गड्ढा भी कर दिया जा रहा है। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको कैसी लगी जानकारी, और सांपों की उम्र जो है वो सभी सांपों की अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम 25 से 30 साल। बस अंधविश्वास जो है बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है कि इतनी होती है उम्र, उतनी होती है इच्छाधारी नाग बन जाता है और कुछ सांपों के सिर के ऊपर मणि निकल जाती है, तो ये सिर्फ अंधविश्वास है। और मणि के विषय में दोस्तों इसके बाद जरूर बताया जाएगा आपको, संधि विच्छेद करके बताएंगे उसका बहुत अच्छे से, कि मणि होती क्या है और किस तरीके से निकालते हैं बाबा वगैरह और लोग बाग किस तरीके से ग्रुप में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।